Now we talk about the structure of virus. Well, as we first talked about the virus in previous classes in class 11, the structure of virus is the nucleoprotein structure. Means जो virus होता है वो किसका बना होता है? Nucleo और protein का बना होता है. इसमें क्या होता है? Nucleic acid होता है और protein होता है. जो nucleic acid होता है वो क्या होता है? आप लोग जानते ही हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कोशिका के केंद्र में जो पाए जाते हैं, जो हम लोग में पाए जाते हैं, वो या डीएनए होता है और आरएनए होता है. और जो वायरस का जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं. तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो वायरस को अगर हम साधारण शब्दों में परिभाषित करें तो विषाणु जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन की संरचना का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है. न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए. और जो प्रोटीन होता है वो कैप्सिड होता है. वायरस में कंडीशन है उसका न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. तो प्रेजेंट टाइम में भाई इतना वायरस हो रहा है, व्हाट इज़ द वायरस, कोरोना वायरस का इमर्ज कहाँ से हो गया, कोरोना वायरस है क्या, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये सब जानने के लिए लोगों को काफ़ी उत्सुकता है. तो वी टॉक अबाउट द कोरोना वायरस. सेम थिंग कोरोना वायरस के साथ भी सेम ही होगा. ये भी क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होगा. किसका बना है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना है. और जो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है. वो क्या होता है? आरएनए होता है. अर्थात जिस भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसको रिट्रो वायरस कहते हैं. क्या कहते हैं? रिट्रो वायरस कहते हैं. तो अब आपके मन में ये होगा कि भाई कोरोना जो है कैसे काम करता है. तो देखिए, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो होगा जिसको हम लोग आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन. तो जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे में होता है, जस्ट लाइक वायरस में भी होता है. तो कैसे होता है? जैसे हम लोगों को डीएनए पाया जाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. तो सेम इसी तरह वायरस में भी क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है. तो जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. जबकि आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं. ये तो हमारे जो मतलब कोशिकाओं में होता है. एक प्रक्रिया दिखाई एरो का निशान जो है, अर्थात ये दिखा रहा है कि आरएनए से डीएनए भी बनता है. क्या बनता है? आरएनए से डीएनए. इसी प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और जितने भी रिट्रो वायरस होते हैं उनमें जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण होता है. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है. तो जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस को अगर देखा जाए तो फर्स्टली जो है कोरोना जो होता है वो कैसा वायरस है? अगर देखा जाए तो कोरोना जो होता है वो रिट्रो वायरस है. कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस. रिट्रो इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रिट्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है. क्या होता है? आरएनए होता है. जो कोरोना वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. क्या होता है? आरएनए होता है. तो ये करता क्या है? सेम जो आपको भी बताए थे, डीएनए है. डीएनए से क्या बना? आरएनए बना. आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना. और एक जो ये क्रिया होती है ये ऊपर जो होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. जबकि ये वाली प्रक्रिया क्या है? ट्रांसलेशन. तो पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनता है? तो आरएनए बनता है. ट्रांसलेशन के द्वारा क्या बनता है? तो प्रोटीन बनता है. और जो आरएनए से जो डीएनए बनता है इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और ये मुख्य रूप से वायरस में पाया जाता है. वायरस में कैसे? वायरस में? रिट्रो वायरस में. किस में पाया जाता है? रिट्रो वायरस में. तो जो कोरोना वायरस है ये एक्चुअली ये रिट्रो वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. अर्थात ये क्या कर रहा है? ये जब भी हमारे बॉडी में मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन पहले वायरस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए. क्या चाहिए? होस्ट सेल. होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, मैन, एनिमल, प्लांट, कुछ भी हो सकता है. लेकिन कोरोना के केस में जो होस्ट सेल है वो क्या है? ह्यूमन है. इसमें जो कोरोना जो फैल रहा है ये क्या है? ड्रॉपलेट. किसके रूप में फैल रहा है? ड्रॉपलेट. अर्थात जो छींकें आ रही है, स्नीजिंग, व्यक्ति छींक रहा है, कॉफिंग खांस रहा है, इन सभी की वजह से इसका क्या हो रहा है? स्प्रेडिंग हो रहा है. अर्थात ये क्या हो रहा है? फैल रहा है. तो इसका वायरस का तो एक ही इलाज है भाई, वैक्सीन. जल्द से जल्द जो है वैक्सीन बनाया जाए. लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक क्या करना है? तब तक हमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक दूरी या उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लीजिए या सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए, उसी के तहत हमें जो है अभी बचाव करना है. और जो रिजल्ट जो इस समय इसका टेस्टिंग जो किया जा रहा है वो आरटीपीसीआर के तहत किया जा रहा है. आरटीपीसीआर नाम से ही लग रहा है इसका जो, इसको रियल टाइम पीसीआर भी कहते हैं, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी कहते हैं.